अच्छा, सांसद जी कभी आते हैं यहाँ पर अपने क्षेत्र में? कहीं भी नहीं आते, कार से सीधे निकल जाते हैं, यूँ बाय भी नहीं करते। क्या कह रहे हैं? नाइट टू नाइट आते हैं, रात के रात में निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने अभी 51 अभी एयरपोर्टों की घोषणा की, कोटा का नाम नहीं है। पूरी कोटा में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अंदर एक ईंट भी लगाई हो आपने तो आप वो बता दीजिए। वो टक्कर तो दोनों की है लेकिन कांग्रेस ही जीतेगी। क्या कर रहे हैं आप? वन मिनट अब सभी प्लेटफॉर्म पे आ गया है, सब्सक्राइब करें और खबरों का आनंद लें। नमस्ते, मेरा नाम राजन है और आज वन मिनट का काफिला पहुंचा है भीम मंडी। भीम मंडी यानी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जो थोड़ा सा, हम इनसे जब आके मुलाकात की तो हमने सोचा कि इनसे थोड़ा सा राजनीति पे बातचीत करते हैं, क्योंकि कोटा के जो बुजुर्ग हैं वो राजनीति को लेकर बहुत ही दिलचस्प हैं। तो आज यहाँ पर कुछ ऐसे ही बुजुर्ग लोग बैठे हैं तो इनसे बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण जी, हाँ जी। क्या किसी चीज़ की दुकान है? आप क्या करते हैं सबसे पहले? सिलाई के काम करता हूँ। अच्छा, सिलाई के काम करते हैं। सबसे पहले अगर आपसे मैं पूछूं कि कोटा को आप कैसे बताएंगे तो आप कैसे आपको अपने आप के कोटा को बताएंगे? क्या बताएंगे? कोटा किस चीज़ के लिए आप जाना जाता है? कोई ऐतिहासिक धरोहर, कुछ चीज़ें अगर कोटा को आपको बताना हो अपने आप में कि आप कोटा से हैं या राजस्थान से हैं तो कैसे बताएंगे? हैं या देखने लायक चंबल नदी है और भी कई कार्यक्रम है, ऐसी बात नहीं है। अभी नया बना है अल्टी बिल्डर और बढ़िया काम, अच्छा है। यहाँ के आपके जो सांसद हैं वो तो ओम बिरला जी हैं, क्या कुछ क्षेत्र में विकास उकास किया है? कुछ भी नहीं किया। ऐसा क्यों? किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं किया। दो बार से सांसद रह चुके हैं लेकिन जब भी संसद में बैठते हैं तो कहते हैं कि हमने कोटा का विकास खूब किया है। जो काम किया है कांग्रेस ने किया है, जैसे किसी ने नहीं किया। शांतिदारी बात, कांग्रेस ने क्या क्या किया है जैसे कुछ एक दो काम बताइए ना। सड़क का भी किया और बहुत बहुत कुछ काम है, काम बहुत किया है। रिवर फ्रंट बनवाया है? हाँ, सब। अच्छा, उसी ने बनवाया। तो इस बार आप क्या देखते हैं? 24 पे फिर से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस भी, कांग्रेस की तरफ से पहला गुर्जर जी खड़े हैं और भाजपा की तरफ से ओम बिरला लगातार तीसरी बार दावेदारी पेश कर रहे हैं। देखो, टक्कर तो दोनों की है लेकिन कांग्रेस ही जीतेगी। अच्छा, टक्कर दोनों की है, जीतेगी कांग्रेस? आप कांग्रेस नेतृत्व को देखने की कोशिश करते हैं कि प्रहलाद गुज्जर की बात करते हैं यहाँ पर? नहीं भाई, देखो अब है तो आदमी दोनों ही ठीक लेकिन प्रहलाद गुज्जर बढ़िया आदमी है। अच्छा, हाँ। और ये ओम बिरला जी कभी क्षेत्र में आते हैं? आप लोगों से कभी मुलाकात की? कुछ नहीं, नहीं की आज तक, कभी नहीं की आज तक, कभी नहीं की। वैसे प्रहलाद गुज्जर आता है। दादा, क्या नाम है? क्या नाम है? अरे आप बताइए ना अपना नाम। लाल। क्या करते हैं आप? मैं तो रिटायर हूँ रेलवे से। अच्छा, आप रेलवे में कर्मचारी थे, आप स्टेशन के बाहर भी हैं? बस यहाँ बैठे रहते हैं, टाइम काटते हैं। कुछ राजनीति वाजनीति में भी बातचीत चलती रहती होगी? क्या लगता है इस बार देश में आपको कुछ माहौल समझ पा रहे हैं राजनीति? माहौल तो यही है कि जनता पार्टी का है पूरे देश में, जो सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी का। बाकी स्टेशन कोटा का नहीं कह सकते भविष्य। कोटा में ऐसा क्यों नहीं है, क्या कारण है कि कोटा? दोनों जो है प्रतिद्वंदी अपने अपनी जगह सही हैं, अब किसका जोर ज्यादा है तो परमात्मा ही जाना कि वो तो 4 जून को क्लियर हो जाएगा कि किस में कितना दम है। बस ये है। वो तो जनता ईवीएम में 26 तारीख को बंद ही कर देगी, ऐसा जो होगा वहाँ 4 तारीख को पता लगेगा। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? संजय चतुर्वेदी। संजय जी, क्या करते हैं आप? स्टेशन में वो अदालत में कैंटीन है। अच्छा, आपकी तो अदालत में कैंटीन है। क्या लगता है इस बार? इस बार प्रहलाद गुज्जर जीतेगा। ऐसा कि ओम बिरला जी ने कोई काम नहीं किया है? नहीं नहीं नहीं, कोई काम नहीं किया, मिलते भी नहीं है, विकास भी कुछ भी नहीं करा, काम भी कुछ भी नहीं करा उन्होंने। और लेकिन संसद में जब भी वो बैठते हैं तो कहते हैं कि कोटा को उन्होंने काफ़ी विकसित डिस्ट्रिक्ट के रूप में दिखाया है, कोटा को उन्होंने एक अलग तरीके से, हर बार जब भी वो संसद में बैठते हैं तो यही कहते हैं कि कोटा में बहुत विकास किया है। कुछ भी नहीं किया, शिक्षा की नगरी के रूप में बना दिया, एयरपोर्ट भी नहीं बनवाया, के थक गए लेकिन नहीं बनवाया उन्होंने अभी तक एयरपोर्ट। और ना हमें भी यहाँ राम मंदिर में एक एम्बुलेंस के लिए बोल गए थे,
वो आज तक नहीं दी यहाँ। राम मंदिर पे तो पूरा देश खुश है, आप बोल रहे हैं कि राम मंदिर में एम्बुलेंस नहीं आया। नहीं नहीं, स्टेशन वाले राम मंदिर। अरे यही स्टेशन वाले राम मंदिर की ही बात कर रहे हैं। वहाँ भी हमें एक एम्बुलेंस नहीं दी उन्होंने अभी तक। आपने उनसे कहा था? कहा था, उनको बताया था, बोला था। कब कहा था? काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया उसको। क्या नाम है अंकल आपका? महावीर प्रसाद शर्मा। क्या लगता है इस बार आपको कि देश में, क्योंकि आप तो मुझे लगता है कि राजनीति की अच्छी समझ है आपकी, ये आपकी दुकान है। हाँ, उम्मीद तो पूरी मोदी जी की सरकार है। लेकिन जो कोटा का विकास जो जिस प्रकार से नहीं, मतलब हमारे देश में, आपको लगता है कि मोदी सरकार फिर से आएगी? मोदी की सरकार की पूरी उम्मीद पूरी। कोटा में, कोटा में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। कोटा परिवर्तन मांग रहा है, ऐसा क्यों, क्या हुआ कि कोटा का मोह ओम से भंग हो गया? ओम 10 साल तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। उन्होंने जो भी पट्टे लगे, शांति कुमार धारीवाल, गहलोत जी के, इन्हीं के लगे हुए हैं। जो भी काम किया शांति कुमार धारीवाल जी ने किया है, लेकिन ओम बिरला जी ने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, सांसद जी कभी आते हैं यहाँ पर अपने क्षेत्र में? कहीं भी नहीं आते, कार से सीधे निकल जाते हैं, यूँ बाय भी नहीं करते। क्या कह रहे हैं? नाइट टू नाइट आते हैं, रात के रात में निकल जाते हैं। रातों रात की राम राम नहीं, कोई होली की राम राम नहीं, कोई जनसंपर्क नहीं। आप वकील हैं? अरे बहुत अच्छी बात है। तो आप वकील हैं, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कोटा के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक, पहले भी वही थे और अभी भी बने हुए हैं? सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 51 अभी एयरपोर्टों की घोषणा की, कोटा का नाम नहीं है। ये कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं थी, हमारी सरकार अभी तो आपकी सरकार थी, आप 3rd IAS पोजीशन पे बैठे हुए थे। आपका ऐसा, आप अगर फ़ोन करते, आप ऐसा कोई काम चाहते तो कौन सा काम नहीं हो पाता? आप इतनी हाई पोजीशन पे बैठे हो, तब भी वो नहीं हो पाया काम। 10 साल के अंदर एक ईंट भी लगाई हो आपने तो आप वो बता दीजिए। 10 साल के अंदर कोटा में कोई विकास नहीं हुआ। श्री शांति कुमार धारीवाल जी ने विकास कराया और दिख रहा है। तभी धारीवाल जीते, विधानसभा में जीते भी हैं, विधानसभा में जीते हैं, कोटा में। कहाँ नाराज होके गए हैं? इधर से बीजेपी से नाराज होके कांग्रेस में गए ना, वो इसी कारण। प्रहलाद जी, जी जी बिल्कुल बताइए ना, आपकी बात सुनने आए हैं। नहीं, मेरी बात अगर आप सुनोगे तो तकलीफ में भी आओ। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आप ये बताओगे ऐसी ऐसी सरकार क्यों बनाते? आज अगर मान लो ओम बिरला जीते, कौन सी पार्टी से जीते? बीजेपी। बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बन रही है तो दूसरी पार्टी में चले गए, तो पब्लिक ने तो उनको जिताया ना। कोई कांग्रेस का है, इतनी जगह वहाँ जीत कर गवर्नमेंट ही बनी, काय को उनको तोड़ तोड़ कर मेंबर लेकर के तुमने काम किया। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।